आगामी चुनाव में कांग्रेस का पलड़ा भारी होने और कांग्रेस के संकल्प पत्र को लेकर भाजपा पर निशाना साधते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव चंदन यादव ने कांग्रेस की बढ़ती उपलब्धियों को गिनाया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव चंदन यादव ने गुरुवार को दुर्ग के राजीव भवन में पत्रकार वार्ता कर कांग्रेस की उपलब्धि गिनाई। इस दौरान चंदन यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए अपनी बातें कही। जिसको हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता ने बिल्कुल साफ शब्दों में कह दिया है, इस बयान से पार्टी का कोई उनका निजी मामला था, उन्होंने भी स्पष्टीकरण दे दिया। तो ना तो हमारे कहीं घोषणा पत्र में है, ना हमारे पार्टी के एजेंडा में है, कहीं कांग्रेस पार्टी इस तरह का कुछ नहीं करने जा रही है, ये क्लियर है। ये नेता भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री रहे, झारखंड से थे, वित्त मंत्री थे, उन्होंने 2014-15 में। इस दौरान उन्होंने संविधान और आरक्षण को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब से भाजपा सरकार में आई है तब से संविधान को खत्म करने में तुली हुई है। इसके साथ ही उन्होंने आगे ये भी कहा कि इस लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी 400 की घोषणा कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ संविधान को बदलने का षड्यंत्र रच रहा है। इस संबंध में उन्होंने मीडिया के समक्ष इस प्रकार की प्रतिक्रिया दी। दुर्ग की जनता इस बार, दुर्ग की जनता आप देख लीजिएगा कि यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी किस तरह से पूरे देश में जो माहौल खड़ा हुआ है वो दुर्ग में भी खड़ा हुआ है। जनता, दुर्ग की जनता महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, जो जो मोदी जी वायदे किए थे, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, फलाना इंडिया, ये सब फ्लॉप कर गए। बुलेट ट्रेन नहीं चला, लगा दिए कि हमने मेट्रो चालू किया है, पोस्टर लगे हैं, कहीं देखा आपने? हम तो 7 साल से काम कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में, मैंने छत्तीसगढ़ में तो किसी शहर में मेट्रो नहीं देखा, लेकिन बड़ा सा होर्डिंग रायपुर में लगा दिए हैं मेट्रो का। बताइए कितना झूठा प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो इस तरह जनता आप देख चुकी है कि 10 साल हो गए आपने कुछ छत्तीसगढ़ के साथ सतला व्यवहार किया। जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी, आपने किस तरह से छत्तीसगढ़ के हक अधिकार को आपने हनन किया, आप यहाँ के किसानों को सही दाम नहीं देने दे रहे थे, ये तो जनता देख रही है ना, दुर्ग की भी जनता देख रही है। नहीं, हम ईवीएम एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन ईवीएम में छेड़छाड़ हो सकता है ऐसे लोग बोलते हैं, मैं एक्सपर्ट नहीं है ना, मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा नहीं जो, क्योंकि मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं कह दूँ कि मैं, आप मुझे बोलिए, मैं तो जिस सब्जेक्ट में पढ़ा हूँ उसके बारे में बता सकता हूँ, मैंने थोड़ी बहुत किसानी की है उसके बारे में बता सकता हूँ, जिसके बारे में मुझे उतनी जानकारी नहीं है कि मैं, लेकिन मैंने ये सुना है, देखा है, एविडेंस है देश का, विदेशों का, कि ईवीएम कैन बी है, ईवीएम मतलब ईवीएम में छेड़छाड़ की जा सकती है, मैं ये कह रहा हूँ। आना जाना लगा रहता है भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन CBI, ED, IT द्वारा कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, विरोधी दल के नेताओं को डराया धमकाया जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, प्रलोभन दिया जा रहा है, ये तमाम हथकंडे अपना रहे हैं। जो साथी इस विचारधारा की लड़ाई में, संविधान और देश को बचाने की लड़ाई में, जिनके अंदर वो विचारधारा से प्रतिबद्ध ना है, नहीं है ना, और जो डर गए वो भाजपा में चले गए। आपका मानना क्या? भारतीय जनता पार्टी और खास करके प्रधानमंत्री जी सबसे बड़े भ्रष्टाचारियों के संरक्षक बने हुए हैं। यानी जो भारतीय जनता पार्टी का, जो जिनके ऊपर प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे, आज उनके दल में आ गए सारी, जो उनके खिलाफ जो भी मतलब जो भी उनके आरोप थे वो सब खारिज हो गए। सब उनको जो एक डस्टबिन बना रखा है ना, ऐसे भ्रष्टाचारी नेता जो वो समझते थे, वो बोलते भी थे किसी को मुख्यमंत्री बना दिया है, किसी को मंत्री, 2500 रुपया की घोषणा की थी छत्तीसगढ़ में 2018 में, तो भी आपको याद है भारतीय जनता पार्टी यही कहती थी ना कि कांग्रेस पार्टी कहाँ से देगी। भारतीय जनता पार्टी जब किसानों की बात आएगी, गरीब महिलाओं को सशक्त करने की बात आएगी, युवाओं को नौकरी देने की बात आएगी, तब वो इसी तरह का बात करेगी, क्योंकि वो उनके विरोधी रहे। हम जब जब आए हैं, हमने कर्नाटक में दे रहे हैं जो हमने प्रॉमिस किया, हम हिमाचल में दे रहे हैं, हमने छत्तीसगढ़ में दिया, बताइए बिजली बिल क्या, बिजली बिल पे जो हमारे, हमने आपके ऋण माफ किए, हमने आपको MSP दिया, सभी जो वादे किए थे। तो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की गारंटी है जो वारंटी के साथ आती है,
हम जो कर सकते हैं वही बोलते हैं, हम होमवर्क करके आते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो बोले किसानों का MSP देना, ऋण माफ करना रेवड़ी है, बोले थे ना। और जो वो अपने व्यापारी मित्रों का 16 लाख करोड़ उनका ऋण माफ किए, वो क्या था, वो लूट थी ना, अपने दोस्तों को दिया। कांग्रेस पूरे देश में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है, जनता का प्यार, जनता का समर्थन, जनता का सहयोग मिल रहा है। और वो बिल्कुल साफ है कि पहले चरण चुनाव के बाद जो रिपोर्ट आ रही है, दक्षिण भारत से BJP साफ, उत्तर भारत में BJP हाफ। तो अभी तक का रुझान जो पहले चरण के बाद जो है, मुझे लगता है दूसरे चरण में ये और गहरा होता जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव चढ़ रहा है, लोगों के सामने भारतीय जनता पार्टी का जो 10 साल का कारनामे हैं वो एक एक परत करके खुल रहे हैं। और घोषणा पत्र जो कांग्रेस पार्टी ने दिया है वो जनता के दिल में बिल्कुल पूरी तरह से समाहित हो रही है, क्योंकि इसमें हर एक व्यक्ति जब घोषणा पत्र पढ़ता है तो अपने आप को उसमें सम्मिलित पाता है, उसको लगता है कि मेरे हक, अधिकार, मान सम्मान और न्याय की बात कांग्रेस पार्टी ने कही है। ACN News के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।